अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिक्स 035 जी स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और स्मार्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो भी रिवील हो चुकी है। और आज की वीडियो में बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। ये जो स्मार्टफोन है इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और शानदार डिज़ाइन के साथ आता है। रियर साइड पर एक बड़ा सा स्क्वेयर कैमरा मॉड्यूल है जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। एक गोल्डन टोन वाला यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाता है। जो बैक साइड है वो दो वर्जन में आता है, एक वेगन लेदर डिज़ाइन में आता है, एक लेदर फिनिशिंग के साथ आता है, और जो दूसरा वर्जन है वो ग्लास बिल्ड के साथ आता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। वेगन लेदर वाला ग्रीन कलर में आता है, इसके अलावा एक यहाँ पर पर्पल कलर है और एक गोल्डन कलर है, और तीनों कलर्स अपने आप में काफ़ी खूबसूरत और शानदार है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि स्मार्टफोन काफ़ी एक थिन फ्रेम के साथ आता है, 7.8 mm थिन है जो कि कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ कोई भी स्मार्टफोन इतना ज़्यादा थिन नहीं है, बट इन्फिनिक्स ने ये करके दिखाया है। आपको एक पतला सा फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आता है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है बैक साइड मुझे काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लगा है, काफ़ी मज़ेदार किस्म का लुक प्रोवाइड करता है। 185 ग्राम स्मार्टफोन का वेट है और 7.9 mm थिक है जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और IP53 की रेटिंग है जो कि डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है। तो ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है और अपनी प्राइस टैग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है, लुक वाइज भी और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी। Infinix 035 स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया, 6.78 इंच का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया जो कि 144Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि राउंड एजेस के साथ आता है, आपको 90° का कर्वनेस आपको प्रोवाइड किया गया जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देगा। फ्लैगशिप की यहाँ पर पहचान है ऑफकोर्स कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। 144Hz का सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है। एक बड़े साइज़ का डिस्प्ले है और कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना कलर्स में कोई मसला होगा ना विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको काफ़ी प्रीमियम फील देगा और अपनी प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन में कंसीडर करता हूँ। Infinix 035 जिस मॉडल का जो प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिया गया, यहाँ पर डायमेंसिटी 8020 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर 6 nm की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, और मान लीजिए G77 का GPU दिया गया है। डायमेंसिटी 8020 काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है जो कि डायमेंसिटी 1200-1300 का मुकाबला आराम से कर सकता है, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। GPU भी काफ़ी पावरफुल है गेमिंग के लिए भी और आम इस्तेमाल में भी। स्मार्टफोन 8GB RAM 256GB वाला वेरिएंट में रिवील हो चुका है, UFS 3.1 का स्टोर टाइप है, Android 13 है, और आपको X13 का लेटेस्ट वर्जन भी देखने को मिल जाता है। अपनी प्राइस की सबसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और अगर मैं प्राइस की बात हूँ तो ये जो स्मार्टफोन है अगर कन्वर्जन प्राइस की बात करें तो करीब 1,10,000 रुपये इसमें कन्वर्जन प्राइस बनती है, टैक्स वगैरह ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा बन सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1,00,000 रुपये में आपका इन्फिनिक्स जैसे स्मार्टफोन बाय करेंगे? स्पेक्स की तो बात करें तो वो बहुत ही शानदार और आलीशान स्पेक्स है, और किसी भी अपनी प्राइस के स्मार्टफोन को आराम से कम्पीट कर सकता है। रही बात लाइन डेट की, तो ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इसी 20 सितंबर को आने वाला है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान में 20 सितंबर को आता है कि नहीं आता, वो तो आगे टाइम ही बताएगा। Infinix 035 इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 108 MP का दिया गया, 1.7 aperture के साथ विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया, और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि किसी भी काम का नहीं है। जबकि फ्रंट पर ये स्मार्टफोन सेंटर पंच होल कैमरा में 50 MP का सेल्फी कैमरा लेके आता है जो कि F2.5 aperture के साथ आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्मार्टफोन 4K 60fps की रिकॉर्डिंग कर सकता है फ्रंट कैमरा से, बहुत बड़ी और इनसेन बात है कि आपको इतना ज़्यादा कम प्राइस में आपको 4K 60fps, ये आपको 1,00,000 में तो रियर कैमरा भी प्रोवाइड नहीं करता, फ्रंट कैमरा तो दूर दूर की बात है, तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। रियर साइड पर भी आपको 4K 60fps की रिकॉर्डिंग ही मिल जाती है, तो अच्छी बात। यहाँ पर अगर टेलीफोटो लेंस डाल देते तो और भी एक कंप्लीट यहाँ पर कैमरा पैकेज बन जाता, लेकिन आई थिंक अभी भी ठीक है। बस एक्चुअल बात ऑप्टिमाइजेशन की कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हुए जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो हम फिर कैमरा के बारे में और भी बेहतर बात कर सकेंगे। Infinix 035 जिस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई जो कि आपने बहुत बड़ी बात है, साथ में जो स्मार्टफोन 8800W की फास्ट चार्ज के साथ आता है,
टाइप सी पोर्टेबल हार्ड लगेगी स्मार्टफोन 3.5 mm यूजर के साथ नहीं आता, लेकिन डुअल स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स 035 स्मार्टफोन ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा और एक बैलेंस स्मार्टफोन है, और उम्मीद करता हूँ कि जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो काफ़ी एक बैलेंस प्राइस के साथ भी लॉन्च किया जाएगा, और इन्फिनिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।